आज ना मैं सो गया था दोपहर में। Hey guys, welcome to my new vlog। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आज है बुध, बुध को अरबी में यूमल रुबा बोलते हैं। तो दोस्तों मैं सुबह स्कूल छोड़ के आया था बच्चों को, अब मैं जा रहा हूँ लेने। गाइस आप लोगों के कहने पे मैंने पूरी 8 मिनट से ज्यादा वीडियो डाली है। मैं भी कोशिश करता हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा व्लॉग बनाऊँ, ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को दिखाऊँ अपने लाइफ के बारे में कि यहाँ कैसे ड्राइवरी की जाती है, कैसे क्या होता है। गाइस प्रॉब्लम थी वीडियो अपलोड करने में, अपलोड नहीं होती थी, लंबी वीडियो अपलोड करता था और फेल हो जाती थी। आज थोड़ा बहुत सेटिंग किया हूँ तो जाके आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे आई बटन दे दूंगा, आप जाके देख सकते हो वो वीडियो, कल भी मैं बनाया था वीडियो। तो गाइस अब मैं यहाँ से चलता हूँ। गाइस यहाँ पे अभी बस स्टैंड चालू हो चुका है जो कि बहुत दिन से काम चल रहा था, और बस का किराया अभी एकदम फ्री है बिल्कुल, जो कि हरम के लिए चल रही है बस, एकदम फ्री है, आने वाले वक्त में पैसा लगेगा। गाइस यहाँ की खासियत ये है कि यहाँ पे कोई जल्दी हॉर्न नहीं मारता, बहुत मजबूरी पे, जैसे मैं इस तरह मैं इतनी दूर दूर चला जाता हूँ, जल्दी हॉर्न मारने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये है स्कूल। तो गाइस मैंने पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर दिया है। आज बड़ा वाला लड़का स्कूल आया है 2 दिन के बाद पूरा, अब उसको लेंगे फिर जाएंगे छोटे वाले को लेंगे। चलो गाइस बड़ा वाला लड़का तो आ गया है, अब जाएंगे छोटे वाले लड़के को लेने। जाम बहुत है, आपको दिखाते हैं आपको जाम लगा कितना। जितना कोशिश करो दूर पे गाड़ी खड़ी करो जाम ना मिले, लेकिन वही होता, अभी 10 मिनट में जाम में फंसा हूँ मैं। चलो छूट तो गया। उसका भाई गया लेने, वो आ भी गया। ये देखो गाड़ी रुकेगी और ये कहेंगे दाना ले लो, कबूतर का दाना 1 रियाल का बेच रहे हैं। यहाँ के एक बार पूछते हैं और उसके बाद मना कर दो तो उस पे चले जाते हैं। ये बेचारे मेहनत कर रहे हैं, करने दो, लेकिन ये मना है। ये जब पुलिस वाला आता है ना तो सब भाग जाते हैं, अलाउ नहीं है। तो गाइस बच्चों को तो छोड़ दिए हैं, जस्ट अभी एकदम उतरे हैं गाड़ी से, अब चलते हैं रूम पे। Hey guys, welcome back। आज ना मैं सो गया था दोपहर में, वैसे जल्दी सोता नहीं हूँ, तो मैं सो ही रहा था, मैडम का फोन आया, अभी जा रहे हैं हम मैडम के काम से, ये सामान है कुछ पार्सल करना है, ज्यादा दूर नहीं है, 2-3 किलोमीटर दूरी पे है और मुझे जाना है जैजील एक्सप्रेस में। गाइस अभी मैं पहुंच गया हूं जहां की मैडम ने लोकेशन भेजा था, तो अब चलते हैं अंदर, उसका सामान देते हैं, देखते हैं कितना क्या चार्ज लगता है। तो गाइस काम हो गया है, मैडम से बात करा दिए फोन पे, जो कि 40 रियाल चार्ज लगा है, मुझे ये पर्चा दिया है। मैंने उससे पूछा भी अगर मैं कोई चीज अगर भेजना चाहूँ, जैसे जद्दा है, मदीना है, रियाद है, तो कितना चार्ज आएगा, तो बोला अगर ब्रांच टू ब्रांच भेजोगे तो 40 रियाल आएगा और डोर टू डोर भेजोगे तो 60 रियाल आएगा। अब गाइस यहाँ से चलता हूँ, जो कि मगरिब का टाइम हो गया है। तो गाइस अभी ये जो आप बिल्डिंग देख रहे थे ये मैरिज हॉल है, यहाँ पे शादी होती है। तो गाइस मैं फाइनली अपने रूम पे पहुंच चुका हूँ। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि न्यू ब्लॉग आपको जल्दी से मिल जाए। कोशिश करता हूँ ज्यादा से ज्यादा ब्लॉग बनाऊं, आपको अपनी लाइफ दिखाने की कोशिश करो। ये रहा मेरा समोसा और ये मेरी कॉफी। तो गाइस मैं चीनी जरा से भी नहीं यूज करता। ये रोड सीधा, ये जो पुल के ऊपर से रोड जा रही है सीधा, ये रोड सीधा जाती है मदीने के लिए, और ये कुबरी का नाम है अल बहरात। पुल को अरबी में कुबरी बोलते हैं, तो ये सीधा रोड जाती है मदीना।
अभी मैं मैडम को लेके आया हूँ हॉस्पिटल में, जो कि वो दांत दिखाने आई है। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं अगर कहीं गया तो दोबारा ब्लॉग कोशिश करूँगा शूट करने की।